नगर निगम चुनाव 2022 के लिए वार्डों का आज पुनः आरक्षण मानस भवन में किया गया। इस दौरान प्रमुख राजनीतिक दलों के पद अधिकारियों समेत राजनीति में रुचि रखने वाले बड़ी संख्या में पहुंचे। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई तो कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह, अन्नू पूर्व वरिष्ठ पार्षद राजेश सोनकर समेत अन्य कांग्रेसी अधिकारी पर आरक्षण में नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात कही। अन्नू ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 25 मई को अंतिम तारीख बताई थी, जिसकी आदेश की कॉपी और वीडियो क्लिप भी उनके पास है। आज की आरक्षण प्रक्रिया न्यायालय के आदेश की अवहेलना में आता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के सदस्य, नगरीय निकाय और जिला प्रशासन के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, पूरी चुनाव प्रक्रिया को भी चुनौती देंगे। राजेश सोनकर ने महिला वार्डों के आरक्षण पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ओबीसी के लिए आरक्षण किया जा रहा है, उसी तरह सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी तवज्जो दीजिए। आप नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। काफी वाद विवाद के बीच अधिकारियों ने आरक्षण प्रक्रिया पूरी करते हुए वही अंतिम सूची जारी कर दी गई, जिसमें 21 वार्ड ओबीसी एवं 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं। इसी तरह 21 वार्ड महिला अनारक्षित घोषित कर दी गई।